What's up guys, Sanjot Kir here. Welcome to IFL. Let's make some delicious veg spring rolls. आज मैं वेज स्प्रिंग रोल्स बना रहा हूँ विद होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स, जो मैं एक लिक्विड बैटर के साथ बनाने वाला हूँ। तो कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम फटाफट लिक्विड बैटर के साथ ही स्प्रिंग रोल की शीट्स बन जाएंगी एकदम परफेक्ट वाली, जिससे बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट स्प्रिंग रोल्स बनते हैं घर पे एकदम फटाफट। ये शीट्स को कैसे स्टोर करना है, स्प्रिंग रोल्स को आप मेक अहेड करके कैसे स्टोर कर सकते हो, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है। Let's do this. हमारी वेज स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है फिलिंग को बनाना। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि एकदम हाई फ्लेम पे आपको फटाफट टॉस करना होता है, नहीं तो क्या है, वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ देती हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस है या आपको ऐसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है ये करने को, तो और एक टिप है, आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और प्याज है उसको एक साथ एक बोल में डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए रख दिए 5 मिनट के लिए, और फिर एक मलमल के कपड़े में डालकर इसको निचोड़ लीजिए, उसका पानी निकाल दीजिए। अगर ये स्टेप कर लेंगे तो आपकी जो फिलिंग है उसमें पानी नहीं रहेगी। मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने एकदम हाई फ्लेम पे सर टॉस किया, तो वो पानी नहीं छोड़ती इतनी जल्दी वेजिटेबल्स। तो ये टिप है, आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरी चीज़ ये, फिलिंग में कई बारी मैं बॉइल्ड नूडल्स डाल देता हूँ। वो नूडल वाले स्प्रिंग रोल खाने में भी बहुत मज़ा आता है, बचपन से खाते आ रहे हैं। तो अगर आपको नूडल वाले स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो इसी रेसिपी में सेम वेजिटेबल्स के साथ आप थोड़े से बॉइल्ड नूडल्स डाल दीजिए, वो भी बहुत अमेजिंग लगते हैं वेज स्प्रिंग रोल्स के अंदर। अभी नेक्स्ट हमें हमारा होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स बनानी है लिक्विड बैटर वाली, वो बना लेते हैं। तो हमारी होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स रेडी हो गई हैं, और आपने देखा होगा कितना आसान है इन्हें बनाना। आटा भी नहीं गूंदना पड़ता है, बैटर से ही बन जाते हैं, लिक्विड डो भी कहते हैं कई लोग। ये बनाते समय घर पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहले तो नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आप बैटर बनाओगे, कभी कभी नॉनस्टिक पैन पे भी आप देखेंगे कि ये बैटर चिपक रहा है। ये क्यों चिपकता है, क्योंकि आपका एक तो कभी कभी पैन गर्म नहीं होता है, या तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो बैटर है, जो लिक्विड बैटर है, वो थोड़ा सा पतला हो गया है। उसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप एक एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर दीजिए और फिर से ट्राई कीजिए, तो आपका जो
बैटर है वो चिपकेगा नहीं। कई बारी बैटर थोड़ा थिक भी हो जाता है, मौसम के हिसाब से होता है, टेम्परेचर के हिसाब से। तो अगर आपको बहुत थिक लग रहा है तो थोड़ा सा एक दो चम्मच पानी ऐड कर दीजिए और आप बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपको मैंने टिप्स बता दी हैं। इनको स्टोर करने के लिए आप एक दो दिन तक नॉर्मल फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय तक आपको स्टोर करना है तो इन्हें ठंडा करके एक ज़िपलॉक बैग या प्लास्टिक रैप में डाल दीजिए, सील करके फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रोज़न आप रख सकते हैं इनको एक दो महीने तक। जब भी आपको यूज़ करनी है तो आप निकाल के इन्हें फ्रिज में रख दीजिए 5-6 घंटे पहले, और बाद में आप इससे स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं। बेटर वर्जन ये है कि आप स्प्रिंग रोल्स पूरे बनाकर फ्रोज़न कर दीजिए और उन्हें ही रख दीजिए, और निकाल कर आप इमिजिएटली फ्राई कर सकते हैं, फिर आपको थॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बेटर आइडिया है। तो आप डायरेक्टली उन्हें बना कर स्टोर कर दीजिए। अभी नेक्स्ट शेप कैसे करते हैं स्प्रिंग रोल्स को वो देख लेते हैं। हमारे स्प्रिंग रोल शेप होके तैयार हो गए हैं, अभी बस इन्हें फ्राई करना है। स्प्रिंग रोल शेप करते समय कई बार एक दिक्कत आती है, क्रैक्स आ जाते हैं या फोल्ड करते टाइम पे साइड्स में थोड़ा थोड़ा एयर के गैप्स रह जाते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए हमने जो मैदे की स्लरी बनाई है, आप वो क्रैक्स पे मैदे की स्लरी लगा सकते हो या वो पॉकेट्स को, जैसे स्प्रिंग रोल्स के जो एंड्स हैं उनको स्लरी में डिप कर सकते हो, तो वो सील हो जाएंगे फ्राई करते टाइम और आपका जो तेल है वो स्प्रिंग रोल के अंदर जाएगा नहीं। तो ये टिप मैंने आपके साथ एक शेयर कर दी है। दूसरी बात, ये स्टेज पे स्प्रिंग रोल्स को आप शेप कर लीजिए, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दीजिए, एक एयरटाइट डब्बे में डालकर इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं एक दिन तक, और फ्रीज़र में कम से कम 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं। खाली अगर आप फ्रोज़न करना चाहते हैं इन्हें तो इसमें प्याज डालना अवॉइड कर दीजिए। अगर प्याज डालेंगे कई बार वो ख़राब हो जाता है, प्याज निकाल दीजिए फिलिंग में से और इनको फिर आप यूज़ कर सकते हो आराम से। फ्रोज़न जब भी करोगे तो एक चीज़ का ध्यान देना है, बाहर निकाल के आप फ्राई कर देंगे, इनको थॉ नहीं करेंगे। फ्रीज़र से निकाला, गरम तेल में डाला, फ्राई कर लिया, वैसे ही फ्राई करना है, थॉ नहीं करना है। तो ये बात का ध्यान दो। तो स्टोर कैसे करना है स्प्रिंग रोल वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट इन्हें गरम गरम तेल में फ्राई करना है और इसके बाद स्प्रिंग रोल्स को सर्व कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी वेज स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गए हैं। आपने शीट भी सीख ली है स्प्रिंग रोल की कैसे बनाते हैं, और बहुत ही आसान है तरीका। वेज स्प्रिंग रोल्स हम सभी को पसंद है। मेरे को याद है शादियों में बहुत सर्व किए जाते थे स्प्रिंग रोल्स, और स्टार्टर्स में सर्व किए जाते हैं, और बहुत मज़ा आता है ऐसे सेजवान चटनी के साथ खाने में या केचप के साथ खाने में। तो मुझे तो बहुत पसंद है कभी कभी खाना। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस वेज स्प्रिंग रोल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।